नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से एक नया अपडेट हमारे सामने आया है। आइए हम जानते हैं कि वो क्या कुछ है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव अब तय समय पर नहीं होगा। चुनाव को लेकर सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम को लेकर हुए मतभेद के बाद एक लंबा समय निकल गया। फिर दोनों के बीच में सहमति बनी तो उसके बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। उसके बाद चुनाव को रोक दिया गया और अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो प्रदेश में बरसात का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर से सितंबर के बीच में बिहार में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रदेश में M2 मॉडल से चुनाव कराया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर बिहार सरकार ने परामर्श समिति का गठन कर दिया है। अब सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी करते हुए कहा है कि पंचायतों में परामर्श समिति के अध्यक्षों के रिक्त पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसी ग्राम पंचायत जहां किसी कारणवश मुखिया और उप मुखिया दोनों नहीं है, वहां परामर्श समितियों के अध्यक्ष पद के लिए वार्ड सदस्यों के बीच चुनाव कराया जाएगा। कहा गया है कि सर्वाधिक मत हासिल करने वाले वार्ड सदस्य को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जाएगी। चुनाव कराने का अधिकार प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी को होगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देते हुए कहा कि अहम यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी से दो टूक कहा गया है कि वे वार्ड सदस्यों के बीच चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। सरपंच और उप सरपंच के पद रिक्त रहने की स्थिति में वार्ड पंचों के बीच चुनाव कराया जाएगा। पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख दोनों पद रिक्त रहने की स्थिति में उम्र में सबसे वरिष्ठ सदस्य को परामर्श समिति का अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जाएगी। किसी कारणवश अगर उम्र में सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी लेने से इनकार करता हो तो दूसरा वरिष्ठ सदस्य को यह जिम्मेवारी दी जाएगी। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दो वरिष्ठ सदस्यों की उम्र समान होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से अध्यक्ष पद के लिए चयन किया जाएगा। इसी तरह से व्यवस्था जिला परिषद में भी परामर्श समिति के अध्यक्ष पद के लिए लागू होगी। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में तमाम बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट की है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल सितंबर से नवंबर के बीच में मतदान कराने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जब कोरोना के मामले कम थे तब ईवीएम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। अब जब सहमति बनी तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि हो गई, जिसके कारण चुनाव तय समय पर नहीं हो सका। अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने बाढ़ को लेकर कैलेंडर जारी करने की बात कही है। तो ऐसे में यह साफ है कि बिहार में वर्तमान में पंचायतों के विकास को लेकर परामर्श समिति का गठन किया गया है, जिससे कि पंचायतों का विकास होता रहे। ऐसे में पंचायतों में जहां परामर्श समितियां काम नहीं कर रही है, वहां एक बार फिर से सरकार ने चुनाव कराकर परामर्श समिति गठन करने की बात कही है। बिहार में पंचायतों को लेकर और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।